15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार से हिंदुस्तान को आजादी मिली थी और उस समय 1947 से पहले हमारे देश में हमारे देश के नौजवानों ने बहुत ही कुर्बानियां दी और उसी की याद में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और इस बार ये जो 15 अगस्त है, इस बार यही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और मैं भी सभी लोगों से अपील करता हूं, अपने घर में, अब बाजारों में, चौक चौराहों में, पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा ही तिरंगा फहराया जाए और उन नौजवानों को, उन शहीदों को हम भी सच्ची श्रद्धांजलि दें इस 15 अगस्त के ऊपर। और मैं सभी से अपील करता हूं कि बड़ी मुश्किल से ये आजादी मिली है और खासकर मैं उन नौजवान लोगों को, उन नौजवान लड़कों को जो मैं इस वक्त कहता हूं कि नशे की तरफ मत जाओ, ये जो आपने नशा कर रहे हो ये आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा। मैं यही बार बार अपील करता हूं कि नशे से दूर रहें और जैसे हमारे नौजवानों ने कुर्बानियां दी देश के लिए, और आप भी कुछ अच्छा करके हिंदुस्तान के लिए कुछ अच्छा करें। और मैं सबको एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को स्वतंत्रता के दिवस की बधाई देता हूं और अपने बाजार एसोसिएशन को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और व्यापारी वर्ग जो है खुशहाल रहे। ये हमारे एक और बड़ी उम्मीद जागी है कि 15 अगस्त के बाद अपने शादियां भी खुल रही हैं और हमारा व्यापार भी बड़े खुले, क्योंकि इस वक्त व्यापार पूरा चौपड़ हुआ है। और हम यही भगवान माता रानी से यही कामना करते हैं कि हमारा 15 अगस्त जो है खुशहाली लाए, हमारे लिए खुशहाली लाए, जम्मू कश्मीर के लिए खुशहाली लाए, देश के लिए खुशहाली लाए। जय हिंद, जय भारत।